तो क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स का डेमो है वो मैं दे रहा हूँ ये, और बाकी मैथमेटिक्स का भी मटेरियल स्टार्ट हो जाएगा जल्दी। पहले आप समझ लो कि मैथमेटिक्स को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है, ताकि हम इसमें भी आउट ऑफ 100 में आउट ऑफ 100 ला सकें अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल आसानी से। देखो सिस्टम क्या है कि सबसे पहली चीज़ देखो, हमें NCERT सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इसको, इसके एक भी एग्जाम्पल्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और एक्सरसाइज में हम इग्नोर करेंगे, लेकिन अभी पढ़ते वक्त, अभी स्टार्टिंग के जब डेज में, तो हमें पूरा पूरा करना है, 100% सॉल्व करना है। NCERT आप कोशिश करिए कि एक बोर्ड आने से पहले पहले ये 4 टाइम्स कम से कम ख़त्म होनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है? तो वो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब बोर्ड डेज में हमारे टाइम पर बोर्ड जब 4 बार लगा लोगे तो हमें आइडिया हो जाता है कि कौन चीज़ हम स्किप करें, कौन चीज़ पढ़ें, क्योंकि हम लोग वही तरीका अपनाना है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग ने अपने बुक में टिक करके रखेंगे, ताकि बोर्ड में हमें वही पढ़ना है, ठीक है? तो प्रॉब्लम नहीं है। तो समझते हैं, देखिए टोटल कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं। पहला होगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन ये सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, और कुछ ज़्यादा इसमें खास टिपिकल चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत छोटा सा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा मैटर है बस। मैट्रिक्स, ये दो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दो चैप्टर दे रखे हैं, ये आपस में दोनों सेम सिमिलर चैप्टर हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं। बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन इनसे बने रहते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? बढ़िया मार्क्स दिला के जाते हैं, ये बड़े वाले में अक्सर आते हैं, तो बहुत आसान भी है। अच्छा, अब यहाँ से जो कहानी स्टार्ट होती है भैया, ये चैप्टर 5 से लोग यहीं से लटकते हैं। तो ये चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, चैप्टर 8, ये जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, 5, 6, 7 चैप्टर लगातार जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे चैप्टर हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। एक भी चैप्टर इग्नोर नहीं करना है, इनमें बहुत जी जान लगा देनी, क्योंकि यही परसेंटेज आपके नीचे लेके जाते हैं। लोगों को यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक होता है उनके लिए, पीछे पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ ज़्यादा अच्छे से है, ठीक है? वेक्टर पढ़ना होगा, 3D पढ़ना होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा कहानी नहीं है इसमें। और फिर अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो मैथमेटिक्स देखी जाए तो कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स है नहीं, 12th की मैथमेटिक्स 11th के कंपेयर में बहुत हल्की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस केवल हमें कैलकुलस मेथड जो है, जो सॉरी कैलकुलस पार्ट है, उस पार्ट को बहुत अच्छे से कर लिया, अगर हमने उसको 100% कर लिया तो बाकी तो हम लोग आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए भी हमारे पास NCERT होनी चाहिए, अगर RD शर्मा किसी के पास है तो बहुत अच्छी है, ठीक है? RD शर्मा होना चाहिए ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन कर पाएँ। बाकी मैं क्वेश्चन देता रहूँगा, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले इसमें भी वही सेम चीज़ कि हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में, कि कौन सी चीज़ कहाँ तक जा सकती है। अगर हमको डिटेलिंग पता है तो कोई क्वेश्चन पढ़ते ही हम उसको समझ जाएंगे कि इसकी जो हद है, इसकी औकात कहाँ तक है। हमें क्वेश्चन देखते उसकी औकात अगर पता चल जाती है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए अच्छे से। तो मैथमेटिक्स में नो प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स हम लोग आराम से करेंगे, 1 by 1 करेंगे। बाकी मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको एवरी डे 2 लेक्चर, आपको 2 लेक्चर्स मैं दूँगा, और वो 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं अल्टरनेटिवली, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री के हो सकते हैं, केमिस्ट्री मैथ के हो सकते हैं, या मैथ फिजिक्स के हो सकते हैं। मतलब 2 लेक्चर आपको मैं प्रॉपरली देता रहूँगा, इनके लिए मैं भी एक सिस्टम में फिक्स करूँगा, ताकि आपकी क्लासेस प्रॉपर चलें, आप लोग को जो वीडियोज़ मिले आप लोग बैठ करके अपना होमवर्क पूरा करें और सीरियसली सारा काम करें एक क्लास की तरह, और कहीं आपको एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं से मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ, आपको मैं 100% मार्क दिलाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो बिल्कुल लग जाइए। अगला लेक्चर हमारा जो है मैथमेटिक्स पे ही होगा, अभी फिजिक्स तो चली रही है, बाकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों एक साथ लेके चलेंगे। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, नो प्रॉब्लम, तो केमिस्ट्री भी लेके चल देंगे। तो केमिस्ट्री की मैं केवल कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 क्लासेस चलेंगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की ये रेगुलर चलती रहेंगी। आपको ये कम से कम 5 क्लासेज इन दोनों को मिला के मैं दे दूँगा, मतलब कभी मैथ की 3 क्लास हो जाएंगी, कभी फिजिक्स की 3 क्लास हो जाया करेंगी, ये ध्यान रखिए। केमिस्ट्री की 2 ही रहेगी, और उसमें मैं आधे घंटे में बस उसके ज़्यादा उसके 2-3 लेक्चर में ही पूरा चैप्टर फिनिश हो जाया करेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस NCERT अच्छे से पढ़नी है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है? तो केमिस्ट्री के बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग मैथ की बात करते हैं, ठीक है? तो मैथ में आप लोग हर चीज़ फॉर्मूले उमले अच्छे से फोकस करें। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का जो स्टैंडर्ड मोड है वो ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग NCERT कवर करेंगे, वो मैंने पहले ही बता दिया। NCERT कवर करने के बाद इसके दोनों चीज़ें होंगी, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, तो ये हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग अटैक करेंगे RD शर्मा पे। RD शर्मा का जितना भी मटेरियल होगा सब करेंगे, ये भी हम लोग 100% सॉल्व करेंगे, हर चीज़ समझेंगे इसमें। RD शर्मा के जस्ट बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है? उन क्वेश्चंस को करना ज़रूरी होगा। उसके बाद ये हो जाने के बाद, और फिर हम लोग अपना एक
शॉर्टकट तरीका बना लेंगे, एक एक इम्पॉर्टेंट नोट्स रेडी कर लेंगे, उसमें एक छोटा सा हम लोग स्नैपशॉट ले लेंगे जिसमें हर चीज़ मेंशन होगी, उस स्नैपशॉट में हर चीज़ मेंशन होगी कि हमें अपने बोर्ड डेज में उसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि वही चीज़ हमें बोर्ड में पढ़ना है, क्योंकि इतना सारा पूरा डेटा हम लोग एक बार में नहीं पढ़ सकते। तो हमें कुछ ऐसा तरीका बनाना होगा ताकि बोर्ड में हमें बहुत कम समय में उसको पढ़ के ख़त्म कर पाए हम लोग, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो हम लोगों का, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो मैथ्स का यही है सिस्टम और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग लग जाइए। तो मैथ्स की वीडियोज़ भी स्टार्ट हो जाएंगी कल से, ये हमारी डेमो है आज की, आप हर चीज़ इसमें देखिए और एक सीक्वेंस वाइज हर चीज़ चलेगी। वीडियो हर टाइम हर दिन मिलती रहेगी और कभी भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये क्लास जैसी है, अगर आप मिस करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि मैं हर दिन आपको एटलीस्ट दो वीडियोस भेजूँगा, ठीक है। तो दो वीडियोस होंगी, वो अलग अलग सब्जेक्ट पे होंगी, फिजिक्स मैथ पे हो सकता है, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स पे हो सकता है, ऐसे ही अलग अलग दो दो सब्जेक्ट पे हो सकती हैं। और बाकी किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगी तो वो बोल सकता है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि 100% हर क्वेश्चन को मैं समझाऊँ और आराम से हो जाए, पूरी क्लास एकदम जो है उस तरह से चलनी है ये, जो ऑनलाइन क्लासेस जैसे चलती हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि बस केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया तो क्वेश्चन छोड़ दिए गए, या क्वेश्चन करा दिए गए तो कॉन्सेप्ट छूट गया। तो हम लोग प्रॉपर बेस में हर चीज़ लेके चलेंगे कि पहले हमारा कॉन्सेप्ट ओके हो जाए, जब आपका कॉन्सेप्ट ओके हो जाता है तो हम लोग अपना पहले NCERT ख़त्म करते हैं, क्योंकि NCERT सबसे इम्पोर्टेंट है। NCERT फिनिश होने के बाद हम लोग RD शर्मा पकड़ेंगे, RD शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। RD शर्मा के जस्ट बाद भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद अपना फाइनली नोट्स रेडी करेंगे। तो हमारा ये वर्क फ्लो होगा, इस वर्क फ्लो में हम लोगों को काम करते आना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे मैथ के लेक्चर में हम लोग अगला पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन।